तो गाइस आज की वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सबके लिए, क्योंकि इसमें आपको मैं जेटके सिंह एरा का ब्रिज, साथ ही में जेटके सिंह लाइट का ब्रिज, साथ में ऑर्बिटर का ब्रिज, इन तीनों ब्रिज को यूज़ करेंगे। साथ ही में जेटके सिंह का एड्रॉप भी हम ग्रैब करने वाले हैं और ऑर्बिटर का एड्रॉप भी, एक तीर से दो निशान करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों है कि हम सिर्फ कम से कम इन्वेस्टमेंट में, जहाँ लोग सब लोग बोल रहे हैं कि आपको $100 से $200 $500 इन्वेस्ट करो ये करो, वहाँ मैं आज की वीडियो में आपको सिर्फ $35 के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके उसमें भी आप है कि $10 से $12 बचा भी सकते हो और इन दोनों एयरड्रॉप में पार्टिसिपेट करके आप एक अच्छा खासा तगड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। तगड़ा मतलब कितना, 1000 2000 नहीं दोस्तों, $5000 से लेकर $10000 का प्रॉफिट बना सकते हो। इसमें आपको जेके सिंह एरा और जेके सिंह लाइट का एयरड्रॉप मिल सकता है, मीन्स जेके सिंह का ओवरऑल, साथ ही में ऑर्बिटर का भी एयरड्रॉप मिल सकता है। और अगर आपने ये वीडियो मिस कर दी तो आप अपना खुद का लाखों का नुकसान करोगे, तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखो और जो मैं स्टेप्स बताऊंगा वो करते ही आपको 110% एयरड्रॉप के लिए एलिजिबल हो जाओगे, वो भी एक नहीं दो दो, एक ऑर्बिटर फाइनेंस का, साथ ही में जेके सिंह का। और हाँ गाइस, आपने अगर हमारा ट्विटर अकाउंट और टेलीग्राम फॉलो नहीं किया तो अभी से कर लो, क्योंकि इसमें हम हर तरह की अपडेट देते रहते हैं, जैसे मेटामास्क एयरड्रॉप रहो या कोई भी रहो, ठीक है। और साथ ही में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते जाओ और लाइक कर दो इस वीडियो को। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं वीडियो टॉपिक के ऊपर। पहले जान लो कि जेके सिंह है क्या। दोस्तों जेके सिंह क्या, लेयर टू सॉल्यूशन है फॉर इथेरियम ब्लॉकचेन। तो अभी है कि इसमें मेनली टास्क क्या है, दोस्तों हम इसमें टोटल 3 ब्रिजेस यूज़ करेंगे, साथ में उसके है कि 7 से 8 डैप यूज़ करेंगे और टोटल हमारी गैस फीस इसमें जाने वाली है, टोटल की टोटल दोस्तों आपकी $10 से $15-12 तक जाएगी आई थिंक, ठीक है। तो आपको अभी स्टेप्स दिखाना लो, सेम स्टेप्स से जाओ तो आप जेके सिंह एरा ब्रिज भी यूज़ करोगे, जेके सिंह लाइट ब्रिज भी यूज़ करोगे, साथ ही में हम इसमें ऑर्बिटर ब्रिज का भी यूज़ करेंगे और इसमें बहुत सारी डेप्स हैं वो भी हम यूज़ करेंगे, ट्रांजेक्शन जनरेट करेंगे और हमारा जो अमाउंट रहेगा सबसे कम सस्ते सस्ता गरीबों वाला रहेगा, पर हम इसमें एलिजिबल रहेंगे। तो कैसे रहेंगे वो अभी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहला काम क्या है, दोस्तों सबसे पहला काम ये रहेगा कि आपके इथेरियम वॉलेट में आपको है कि इथेरियम डिपॉजिट करने पड़ेंगे, जो इथेरियम मेननेट रहेगा उसमें। कहाँ से डिपॉजिट करोगे, हम बाइनेंस से डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अच्छे खासे इथेरियम डिपॉजिट कर लो, कितने अच्छे खासे आप क्वेश्चन पूछोगे तो सिर्फ $35 के इथेरियम डिपॉजिट करो, आगे का मैं आपको बता दूंगा। इसमें से आपके $10 से $12 बचेंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। वो होते ही दोस्तों आपको क्या करना है कि ये वाले लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों ये जेटके सिंह लाइट की है, ठीक है। तो आप बोलोगे आप तो जेटके सिंह एरा की बात कर रहे थे, दोस्तों रुको ज़रा, मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ वो फॉलो करोगे तो आपके पैसे भी बचेंगे, साथ ही में आपको है कि एयरड्रॉप में एलिजिबल का फुल चांसेस रहेगा। पहली बात आपको बता देता हूँ, कोई भी एयरड्रॉप रहता है उसकी क्राइटेरिया क्या रहता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन जनरेट करो, 10 से 12 ट्रांजेक्शन। साथ ही में आपको क्या करना पड़ता है कि इनके जितने भी डैप्स दिए रहते हैं वो यूज़ करो, साथ ही में इनके खुद के कितने ब्रिजेस रहते हैं वो यूज़ करो। तो ये मेनली साइटियर रहता है। वॉल्यूम दोस्तों हम जनरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि $10000-20000 की वॉल्यूम हम जनरेट नहीं कर पाएंगे। हम कहाँ जीत सकते हैं वो आपको बता रहा हूँ, तो इधर आ गए फटाफट अभी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो इधर आने के बाद जेटके इथेरियम वॉलेट है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, मेटामास्क के मेटामास्क पे क्लिक कर देना है और मेटामास्क पे इधर आपको टॉपअप का ऑप्शन आएगा, इस टॉपअप पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और इधर आने के बाद इधर आपको नीचे जेके सिंह लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अभी टॉपअप करने के लिए इधर कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आएगा, वो हो गया हमारा। तो अभी इधर अमाउंट लिखना है, तो आपको कितने टोटल लिखना है मैं बोल देता हूँ, आपको एटलीस्ट $32 या फिर $30 के समझ लो इथेरियम रहते हैं ना, उतने आपको इधर ट्रांसफ़र कर लेने हैं, ठीक है, $28 के समझ लो, ठीक है, $28 या $30 तक आप इथेरियम इधर डिपॉजिट पे क्लिक कर लो, टॉपअप पे। टॉपअप पे होते हैं आपकी ट्रांजेक्शन आ जाएगी, मेटामास्क में, मेटामास्क में आते हैं आपके सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन हो जाएगी। अभी सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, सबसे पहले इधर गैस फीस कितनी लगेगी आपके मन में रहेगा। दोस्तों गैस फीस है कि आप अर्ली मॉर्निंग या फिर बहुत लेट नाइट करोगे तो $2 या $2.5 की फीस लगती है, उससे ज़्यादा नहीं लगती। बाकी टाइम करोगे तो $4-5 लग जाएगी, इसलिए आप संभाल के कब करना है वो सोच लो, अर्ली मॉर्निंग या फिर बहुत लेट नाइट, ठीक है।
अभी सेकंड स्टेप आपको ये करना है कि आपको एक और लिख दूंगा zigzag एक्सचेंज। इधर आने के बाद आपको कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक कर देना है। कनेक्ट वॉलेट करने के बाद इधर आपको स्वैप करना है या फिर ट्रेड करना है, ठीक है। तो आपको कितनी ट्रेड करनी पड़ेगी कि आपको एटलीस्ट दोस्तों है कि 5 से 6 या 7 तो ट्रेड कर ही लो। इसमें कैसे करना है, इथेरियम टू यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लेना है। सिंपल रहता है कि इधर बाय और सेल रहता है, आपको स्वैपिंग का तो सबको पता रहेगा, ठीक है। तो आपकी इधर फीस टोटल कितनी जाएगी, टोटल आपको आपके 5, 6, 7, 8 ट्रांजेक्शन की ज़्यादा से ज़्यादा $2 से $3 जाएगी फीस, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं जाने वाली। आप 10 ट्रांजेक्शन कर लो इधर, कैसे करोगे, इथेरियम टू यूएसडीसी पैर में, और साथ ही में इधर पैर रहेंगे आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इथेरियम यूएसडीसी साथ ही में USDT टू डाई, ठीक है। तो इधर पेयर्स मिलेंगे, आप सिलेक्ट करके जो पेयर में कन्वर्ट चाहते हो कर लो। होने के बाद आपके क्या हो जाएंगे कि इधर आपके जो भी आपके पास टोकन रहेंगे, आपने जितने भी स्वैप किए इधर दिखाने लग जाएंगे। तो ये टास्क मैंने कहाँ करके आपको दिखाया था, हमारे चैनल पे ये वाली वीडियो थी ZK Sync Lite की, जो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इसमें ये सब टास्क है कैसे करना है विस्तार में बताया हुआ, ठीक है, बहुत ईजी है। और सेकेंड वन आपको है कि NFT मिंट करने की लिंक दे दूंगा, उस पर आपको आ जाना है। इधर NFT सेक्शन रहेगा, इधर मिंट NFT रहेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इधर आके ये हैश और CID कहाँ से मिलेगी वो भी हमने उस वीडियो में बताई हुई है, जाके आप चेक कर लो, बट उसकी लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। तो वो लिंक आप इधर क्लिक करोगे तो आपको ऑथराइज्ड टू मिंट आएगा, और आपकी इधर फीस देख लो $0.24 की लगेगी। तो ये भी है कि 1 से 2 ट्रांजेक्शन कर लो, ठीक है। तो हमारी इधर ट्रांजेक्शन हो चुकी है, फर्स्ट वीडियो में बनाने के टाइम आपको दिखा दे चुका हूँ, ठीक है। अभी मेन पॉइंट, अभी हमको क्या करना है, अभी दोस्तों ऑर्बिटर जो है ब्रिज वो यूज़ करना है। जो आपको सब बताए हैं वो उसमें से ब्रिज हो गया, एक बार आपने यूज़ कर लिया ZK Sync Lite का, और उसमें आपको है कि जो भी zigzag और मिंटिंग का, उसमें आपको है कि महीने में 1-2 बार ट्रांजेक्शन कर लेनी महीने में, ठीक है। और इधर आने के बाद ऑर्बिटर में आपको अभी क्या करना है, इधर दोस्तों मेन ऊपर रहता है ना, उधर आपको क्लिक करके ZK Sync Lite सिलेक्ट करना है, ठीक है। जो बता रहा हूँ वो सही से देख लो, और नीचे जो है इधर सिलेक्ट करके आपको इधर क्या सिलेक्ट करना है कि आपको इधर इथेरियम सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जैसे बता रहा हूँ सेम। और आपके पास जितने भी फंड है मैक्स में इधर क्लिक कर देना है, और आपके इधर 0.005 रहने चाहिए, देखो इतने होते ही आप इधर है क्या सेंड पे क्लिक कर दो, और आपके जो भी फंड है वो आपके है क्या इथेरियम मेननेट में फिर से आ जाएंगे, ठीक है। जितने भी फंड बचे रहेंगे वो इधर आ जाएंगे। उधर आपको मैंने बोल दिया 5 से 6 ट्रांजेक्शन करनी है, 2-3 NFT मिंट करनी है, ऑर्बिटर से ये करना है। अभी इतना हो गया, अभी नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट है ZK Sync Era में यूज़ करते हैं। तो अभी जो मैं स्टेप वगैरह आपको बता रहा हूँ ये सब स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको है कि एलिजिबल होने का 100% क्राइटेरिया है। और ब्रिज को छोड़ के, जितने भी ब्रिज अभी करा रहा हूँ वो छोड़ के, बाकी जो टास्क हैं वो आप हर महीने या फिर हर 1.5 महीने में एक बार कर लिया करो, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टोकन मिलेगा, आपके वॉलेट डेड करके नहीं गिना जाएगा, ठीक है। तो अभी मेनली ZK Sync Era पे आ गए, इसकी भी लिंक प्रोवाइड करूँगा, इसका भी ब्रिज करना है। तो डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे, ऊपर इथेरियम रहने देंगे, नीचे ये रहने देंगे, आपके पास जितने भी इधर रहेंगे उसमें से आप मैक्स पे क्लिक करने से अच्छा इधर आपको कितना लेना है, सिर्फ $18 से $20 का ही इधर इथेरियम ले लेना है, ठीक है। तो हमारे उधर कितने वेस्ट हो गए, उधर हमारे गैस फीस में टोटल दोस्तों $5 से $7 तक चले गए रहेंगे मेरे ख्याल से, $2 स्टार्टिंग में, उसके बाद 5 से $6 चले गए हैं, बाकी सब बचे हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमने वापस इथेरियम में ले चुके थे, अभी हमको क्या करना है, इथेरियम मेन वॉलेट से ZK Sync Era में करना है डिपॉजिट। तो इधर आप $20 तक फिर से इसमें डिपॉजिट पे क्लिक करो, डिपॉजिट पे क्लिक करते आपके पास जितने भी अमाउंट रहेंगे वो इधर डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप देख लो, हमारा है कि डिपॉजिट हो गए फंड ZK Sync Era में, अभी ठीक है Era मेननेट में, अभी वो मेननेट कैसे ऐड करेंगे अपने मेटामास्क। हाँ देख सकते हो इधर मेरे ZK Sync Era मेननेट है, क्योंकि हमने इसमें है कि ब्रिज किए इथेरियम मेन वॉलेट से। तो ये कैसे आएगा दोस्तों, इसके लिए आपको chainlist.org पे जाना है, इधर सिंपल अपना वॉलेट कनेक्ट कर लेना है, और इधर आपको सर्च नेटवर्क्स में, और एक बात आपको ज्ञान की बात बताता हूँ, chainlist.org में आपको कौन से भी टेस्टनेट रहो वो भी इधर नेटवर्क मिलेंगे, आप इधर टिक करोगे तो कौन से भी नेटवर्क आपको इधर मिल जाएंगे, ठीक है। आपको नेटवर्क ऐड करना है तो ये इजी प्रोसेस है। तो इधर आपको क्या लिखना है, ZK इतना लिख देना है, इतना लिखते ही इधर ZK Sync Era मेननेट आ जाएगा, ऐड टू मेटामास्क पे क्लिक करते ही आपका ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ठीक है।
तो अभी मेन इधर टास्क करने पड़ेंगे क्योंकि हमारे हैं कि इसमें वॉलेट में आ गए हैं तो टास्क तो करने बहुत ज़रूरी है। तो देखो जेको सिंक के इधर मेननेट में है कि टास्क क्या है कि एरा के मेननेट में आप तो पहले सिंक स्वैप इनका एक डैप है ठीक है, तो डैप आप जितना इंटरेक्शन करोगे उतने आपको प्रॉफिट होने का चांसेस ज़्यादा टोकन मिलने के। तो इसमें आने के बाद आपको क्या करना है कि ऊपर इथेरियम रखना है, नीचे यूएसडीसी रखना है ठीक है। आप 75% तक आपको क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद आपको सिंपल स्वैप पे क्लिक कर देना है। और इसमें एक फ़ायदे की बात बता देता हूँ, फ़ायदा ये है कि इसमें आप जो भी स्वैप करते हो जो भी गैस फीस लगती है उसमें से 60% या 67% की गैस फीस आपको रिटर्न दी जाती है। एग्जाम्पल आपके अगर $2 की गैस फीस लग रही है तो आपको $1.5 रिटर्न दिए जाते हैं ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले इथेरियम टू यूएसडीटी स्वैप कर लेना है, फिर क्या करना है कि फिर ऊपर आप यूएसडीटी सिलेक्ट कर लेना है और नीचे इथेरियम फिर से स्वैप कर लेना है, फिर क्या करना है फिर से इथेरियम ऊपर रख के फिर नीचे यूएसडीसी रख लेना है और फिर से स्वैप कर लेना है। देख लो मैंने क्या बोला उतना जान लो, 3 बार स्वैप करना है, इथेरियम टू यूएसडीटी, यूएसडीसी, USDC टू इथेरियम, फिर इथेरियम टू USDT ठीक है। तो आपके पास लास्ट में USDC बचा रहेगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट डेप पे। तो नेक्स्ट डेप रहेगा दोस्तों वो है आपका स्पेसिफाई। तो इसमें आपको वॉलेट कनेक्ट कर लेना है। अभी इधर स्वैप का ऑप्शन है तो कैसे स्वैप करेंगे, ऊपर आपको इधर सिलेक्ट कर लेना है USDC क्योंकि हमारे पास लास्ट में USDC पड़े थे। तो इधर नीचे टोकन सिलेक्ट कर लेना है इथेरियम ठीक है, तो इथेरियम पे क्लिक कर दिए। अभी आपको क्या करना है, इधर अमाउंट जो है मैक्स लिख सकते हो, पूरा मैक्स करके इधर आप क्लिक कर दो, इधर क्लिक करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप नहीं हो रहा तो डेस्कटॉप मोड पे रख लो और ये सब टास्क आप मिसेस ब्राउजर में इस करो ठीक है। और इसमें एक ही ट्रांजेक्शन करो अभी के लिए ठीक है। इसमें गैस फीस आपकी $1 तक लगेगी। एक और नेक्स्ट स्टेप रहेगा, एक और इनका न्यू डैप रहेगा म्यूट स्विच करके, इसमें भी वॉलेट कनेक्ट करो, इधर आ जाओ, सिलेक्ट टोकन लिखा रहेगा सेम है, आप इथेरियम सिलेक्ट कर लो, नीचे सिलेक्ट कौन सा करने का बोलेगा, USDT सिलेक्ट कर सकते हो ठीक है। और इधर आपके अमाउंट मैक्स मत लिखो, बहुत कम अमाउंट लिखो ठीक है, लिख के आप डायरेक्ट इधर स्वैप कर सकते हो। जान लो इधर मिनिमम क्राइटेरिया 0.01 है तो आप इसको एक स्किप भी चाहे तो कर सकते हो ठीक है। अमाउंट अच्छा खासा है तो ही करो वरना मत करने जाओ, मैंने जो बताया वो कर लो, ये म्यूट आप एक स्किप कर सकते हो। और एक और अभी ये वाला, ये कौन सा डैप है दोस्तों, ये वाला मिंट स्क्वायर है। इसमें क्या होता है कि NFT मिंट होती है, तो कैसे मिंट करनी है, इधर मिंट का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इससे पहले आपको वॉलेट कनेक्ट करने के लिए बोलेगा, इस पर क्लिक करके वॉलेट कनेक्ट कर लो ठीक है। तो अभी इधर है कि वॉलेट कौन सा कनेक्ट करना है कि जेडके सिंक एरा का कनेक्ट होगा ठीक है। तो इधर मिंट न्यू NFT अपलोड के ऊपर क्लिक करो और आपकी फ़ोटो इधर अपलोड फाइल सेलेक्ट करो और अपलोड कर लो ठीक है। अपलोड करने के बाद अभी आपको क्या करना है, इधर नेम योर NFT, तो कुछ भी आप नेम लिख सकते हो, GGVGVG कुछ भी, और डिस्क्रिप्शन में भी कुछ भी लिख सकते हो। एक्सटर्नल लिंक आप डालना है तो डाल सकते हो, आपकी ट्विटर लिंक कुछ भी ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना, मिंट पे क्लिक करना है और सिंपल से मिंट करनी है। इसमें भी दोस्तों आपके $1 के फीस लग जाएंगे ठीक है। तो ये सब डैप टास्क सब यूज़ कर लिए, 2 ब्रिज यूज़ कर लिए, 6 से 7 डैप यूज़ कर लिए। अभी क्या करना है, सबसे बड़ा और सबसे अच्छा काम करना है, फिर से ऑर्बिटर ब्रिज पे आना है। क्योंकि दोस्तों ऑर्बिटर ब्रिज हमने किधर यूज़ किया है, जेडके सिंक लाइट में यूज़ किया है, बट जेडके सिंक एरा में यूज़ नहीं किया अभी तक है ना। तो अभी इधर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको इसका भी एयरड्रॉप चाहिए, तो इसके लिए हम पहले वॉलेट कनेक्ट कर लेंगे, इधर ऊपर इथेरियम ही रहने देंगे ठीक है। बट इधर जो अभी है के ऊपर इधर आपको क्लिक करके क्या सिलेक्ट करना है, जेडके सिंक एरा ठीक है, इतना जान लो जो बोल रहा हूँ, जेडके सिंक एरा। और इधर क्या सिलेक्ट रखेंगे, इथेरियम ठीक है, और मैक्स पे क्लिक कर दो और इधर सेंड पे क्लिक कर दो। तो ऑटोमेटिक आपके जो भी है के इथेरियम रहेंगे वो सब इससे इथेरियम में आ जाएंगे ठीक है। तो आपके मेन नेट में आ जाएंगे जो मेटामास्क में, तो उधर आपके आ जाएंगे सक्सेसफुली। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, आपको यह कि एयरड्रॉप के लिए 100% एलिजिबल होने, तो ये सब स्टेप्स करने पड़ेंगे। साथ में जितने डैप्स बताए हैं उसमें आप हर महीने एक ट्रांजेक्शन एटलीस्ट कर लो ठीक है, इतना ध्यान रखो, नहीं तो आपको वॉलेट डेड करके माना लिया जाएगा। इसलिए आप एटलीस्ट ट्रांजेक्शन कर लो तो आपके मतलब आप रेगुलर यूज़र हो ऐसा लगेगा उनको और आपको एयरड्रॉप मिलेगा। और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो, थोड़ी लंबी हो गई है बट एडजस्ट करो ठीक है।